दोस्तों ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक देश है। ये एक पहाड़ी देश है और इसका सिर्फ 32% हिस्सा ही 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे स्थित है। इसका 68% हिस्सा 500 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है। इसके अलावा ये देश ज्यादातर जंगलों से घिरा हुआ है और इसका लगभग 47% भाग वनों से घिरा हुआ है, जो कि ऑस्ट्रिया को बहुत ही हरियाली देता है। यहाँ सुंदर झरने और घास के शानदार मैदान भी है। ऑस्ट्रिया एक जमींदार देश है। तो दोस्तों आज हम इसी देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑस्ट्रिया का क्षेत्रफल लगभग 83,889 वर्ग किलोमीटर है और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो इस देश में लगभग 88 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया के लोग समय को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। वे हर काम को समय से करते हैं और कहीं जाने पर देरी से नहीं पहुंचते हैं। ऑस्ट्रिया में कुछ मिनट की देरी को भी बहुत ही बुरा व्यवहार माना जाता है। इस देश के अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात की जाए तो $49,400 प्रति व्यक्ति इस देश की जीडीपी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। आपने धरती पर सबसे ज्यादा बिकने वाले एनर्जी ड्रिंक रेडबुल का नाम तो सुना ही होगा। उसका आविष्कार ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। जर्मनी के अगर सबसे क्रूर शासक एडोल्फ हिटलर की बात करें तो उनका जन्म भी 1889 में ब्रूना एम इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद साल 1913 में वे जर्मनी चले गए थे। दोस्तों टर्मिनेटर जैसी मूवीज में काम करने वाले एक्टर अर्नोल्ड ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुए थे और वहीं पर बड़े हुए और बाद में वो अमेरिका गए और वहां जाके हॉलीवुड के एक्टर बन गए। दोस्तों औद्योगिक दुनिया के मामले में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं की दर ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा है। बाकी देशों के मुकाबले यहाँ की औरतें घर से बाहर सबसे ज्यादा काम करती है। दोस्तों ऑस्ट्रिया का नेशनल फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना नेशनल फ्लैग माना जाता है और इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल हैं, 2 लाल और 1 सफेद। दोस्तों ऑस्ट्रिया ही वो पहला देश है जिसने पोस्टल कार्ड की शुरुआत की थी। इसी ने अपना पहला पोस्टल कार्ड प्रकाशित किया था। इस देश में एक कानून है कि जब भी कोई स्वस्थ पुरुष 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने के लिए आर्मी में अपनी सेवा देना जरूरी है। इसके अलावा इस देश के ज्यादातर राज्यों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूरी शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों ऑस्ट्रिया चारों तरफ से बहुत से ज्यादा देशों से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, जर्मनी और चेक गणराज्य जैसे देश इसके पड़ोसी देश हैं। इस देश को साल 1938 में नाजी जर्मनी का हिस्सा बनाया गया था और 1955 तक ये स्वतंत्र देश नहीं था। इस देश को 1955 में जाकर स्वतंत्रता मिली है। पूरी दुनिया के लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी पूर्वी यूरोपीय मुख्यालय को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में और आसपास के क्षेत्रों में बनाया है। यूरो को ऑस्ट्रिया में मुद्रा के रूप में यूज किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1999 में हुई थी। इस देश में बहुत ज्यादा शराब की भट्टियां मौजूद है। लगभग 20,000 प्राइवेट शराब बनाने की भट्टियां ऑस्ट्रिया में मौजूद है। इस देश की राजधानी वियना शहर में स्थित टियर गार्डन शॉनब्रून दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। ऑस्ट्रिया के जंगलों में ज्यादातर मध्य यूरोपीय वन्य जीव रहते हैं, जैसे कि लोमड़ी, हिरन, तीतर, खरगोश और रीछ। ये देश मध्य यूरोप के सबसे घने जंगलों वाले देशों में से एक माना जाता है और ऑस्ट्रिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा घास के मैदान और जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश को झरनों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पानी के प्राकृतिक झरने मौजूद हैं। और अगर इसके सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो उसकी ऊंचाई लगभग 1,247 फीट यानी कि 380 मीटर है। दोस्तों ये देश बर्फ के मनोरंजक खेलों के लिए एक उत्तम जगह है। यहाँ पर आप स्नोबोर्डिंग, स्नो शोइंग और अल्पाइन स्कीइंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया वैसे तो एक लैंडलॉक देश है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक झीलें मौजूद है जो कि समुद्र तक जैसा एहसास करवाती है। दोस्तों इस देश में लोग उच्च जीवन स्तर जीते हैं और घर के आसपास और घर के अंदर इनके लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस देश में एक प्राकृतिक चूना पत्थर और बर्फ की गुफा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है जो कि 42 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी है और इस गुफा को देखने के लिए हर साल लगभग 2 लाख पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ये ऑस्ट्रिया के वियरफेन में स्थित है। अगर इस देश की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो जर्मनी इस देश की आधिकारिक भाषा है और जनसंख्या के लगभग 88% से ज्यादा लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में हंगेरियन, क्रोएशियाई और तुर्की और पोलिश जैसी भाषाएं शामिल हैं। ऑस्ट्रिया के लोग बहुत कम प्रतिशत कृषि में शामिल हैं और कृषि उत्पादन का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.5% से भी कम है और ऑस्ट्रिया में एक खेत का औसत आकार 45 एकड़ है। इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ पर फुटबॉल को खेलना लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये देश पूरी दुनिया में संगीत के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का संगीत पूरी दुनिया में फेमस है और ये देश 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप का एक महान शक्तिशाली देश था। इस देश में अगर टैक्सियों की बात करें और यहाँ पर ज्यादातर टैक्सियाँ मर्सिडीज कंपनी की होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।